नमस्कार, मेरा नाम सत्या शुक्ला है। आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड वन ऑफ द ओनर फॉर ऑजी एजुकेशन एंड माइग्रेशन। कोरोना ने इस साल जनवरी फरवरी में सारी दुनिया में तबाही मचानी चालू कर दी और इस तबाही का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है किसी इंडस्ट्री पे, वो है एजुकेशन और माइग्रेशन। बच्चे जो कि जनवरी फरवरी मार्च इंटेक के लिए वेट कर रहे थे, जो जून जुलाई इंटेक के लिए में पास होने वाले थे, 12वीं पास होने वाले थे और सपना देख रहे थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, ओके, सारी की सारी उनकी मेहनत, सारी की सारी उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है, ओके। और इस समय सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं, चाहे जो सबकी ज़ुबान पे है, कि कब बॉर्डर खुलेगा, कब वीज़ा प्रोसेसिंग चालू होगी, कब यूनिवर्सिटी सीट देना चालू करेगी, कोरोना का इम्पैक्ट कैसे होगा। तो इस सवालों का जवाब अगर कोई भी आपको दे रहा है ये कहकर, चाहे ये बताकर कि बॉर्डर आपको अक्टूबर में खुलेगा, नवंबर में खुलेगा, जून में खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे, एवरी वीक इस बातों पे गवर्नमेंट में हाई लेवल पे डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। ओके, ऑलमोस्ट 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती है, खास करके उस वक्त पे जब चाइना से हमारे संबंध काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। तो बॉर्डर खुलेंगे, ओके, एक्सपेक्टेशन ये है कि अक्टूबर नवंबर में इनटेक में बॉर्डर खुलेंगे, बच्चे आएंगे, हो सकता है उन्हें 14 दिन के स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों के बीच जून जुलाई इनटेक का क्या किया जाए? आज 1 जून है, जुलाई में मोस्टली इनटेक चालू हो जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का, तो कैसे क्या किया जाए? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एक या दो सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ने पे COE इश्यू कर रहे हैं ताकि आप वीज़ा प्रोसेस चालू कर सको। आप वीज़ा अभी अप्लाई करिए, हो सकता है वो वीज़ा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ग्रांट हो, चाहे रेफ्यूज़ हो, दोनों, भगवान न करे कि आपका वीज़ा रेफ्यूज़ हो, बट लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका वीज़ा रेफ्यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे कॉलेज यूनी ऐसे हैं जो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपका वीज़ा रेफ्यूज़ हो रहा है तो इवन दो यू हैव स्टडीड दैट कोर्स, दैट प्रोग्राम, दैट सब्जेक्ट, आपने जो एक दो सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी फ़ीस आपको वापस हो जाएगी, उसकी फ़ीस आपको रिफंड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वर्स्ट के सिनारियो में जो आपका $628 इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फ़ी, जो स्टूडेंट वीज़ा फ़ी हो रहा है फॉर एन इंडिविजुअल एप्लीकेंट, वही आपका नुकसान जा रहा है। ओके, और कोई नहीं चाहता कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो, लेकिन इन वीज़ा रिफ्यूजल केस ऑल्सो यू विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टडी, कि किस तरह स्टडी होती है, किस तरह पढ़ाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन स्टडी क्या है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, जो बच्चा एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ रहा है, ओके, तो जब भी वीज़ा प्रोसेसिंग खुलेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हाई कमीशन और एम्बेसी देखेगी कि ये बच्चा ऑलरेडी इनरोल्ड है, ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो दैट मीन्स GTE को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, तो वीज़ा अप्रूवल चांसेस विल बी हाई। नोबडी कैन गारंटी यू फॉर द वीज़ा बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देर इज नथिंग लाइक 100% इन माइग्रेशन फील्ड, बट एटलीस्ट आप अपने आप को एक चांस दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो अपने वीज़ा अप्रूवल रेट बढ़ाने का बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। और जब आपको फीस रिफंड की गारंटी मिल रही है, फीस रिफंड का पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, तो आपके पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, 6 महीना 8 महीना रुक रहे हो, तो उस गैप में आपने क्या किया, क्योंकि अब तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी खुल रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं। ओके, तो उस दौरान आपने क्या किया? आप ये नहीं बोल सकते कोरोना के डर से मैं घर पे ही बैठा था। ओके, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स फाइट विद कोरोना टुगेदर, गेट इनटू द एडमिशन, गेट स्टार्ट डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज विथ सिक्योर्ड एंड पीस ऑफ माइंड टू गेट 100% फीस रिफंड फॉर ऑल द कोर्सेज वॉट एवर यू हैव डन। ओके, वी डू हैव द ऑफिसेज इन अहमदाबाद, इन कलोल, इन पाटन, इन जालंधर, इन हैदराबाद, ओपनिंग अप इन दिल्ली ऑल्सो। ओके, हमारा इंडिया वाइड हॉटलाइन नंबर है 9100107107, नंबर इज 9100107107,
प्लीज़ कॉल करिए और हमारी टीम से बात करिए किस तरह आपको ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए आगे प्रोसेस करना है। आवर टीम इज देयर, प्लीज़ कॉल देम नाउ। थैंक यू, बाय।